17वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ अब काफी कुछ तस्वीरें भी साफ होने लगी हैं। 17वीं लोकसभा के गठन के कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस बार एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल के इस उम्मीदवार के खिलाफ विपक्षी खेमा कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रहा। बिरला पहले ऐसे स्पीकर होंगे जो राजस्थान से आते हैं। इससे पहले चुने गए 16 लोकसभा अध्यक्षों में से कोई भी नेता राजस्थान का निर्वाचित सदस्य नहीं रहा। कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला जो हैं, वो 17वीं लोकसभा के अंदर जो है स्पीकर बनने जा रहे हैं। अमिता मैम, ओम बिरला जी स्पीकर बनने जा रहे हैं, आपको इतनी जानकारी थी क्या वो स्पीकर बनेंगे? नहीं नहीं, ये अभी आज सवेरे हम लोगों को पता लगा, और जैसे ही पता लगा हम लोग तुरंत सारे बहने और मेरी बेटी और हम सब लोग मिलके मंदिर गए। ये सिर्फ आज पूजा अर्चना की आप लोगों ने? जी हाँ, पूजा अर्चना की। हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है, संसद पूरी वही चलाएंगे। हाँ, उन्होंने घर को भी बहुत अच्छा, समाज में बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने कोटा को बहुत अच्छी तरह संभाला है, तो मेरे को लगता है राजस्थान के लिए गौरव का पल। राजस्थान के लिए बहुत गौरव का पल। कोटा के जनता ने उनको हर बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से जो है जिताया है, 2 बार संसद में पहुंचाया, 3 बार विधानसभा में। जी हाँ, कोटा की जनता ने बहुत उनको प्यार दिया है, और उनको प्यार, मैं सोचते हूँ उन्होंने कोटा की जनता ने प्यार दिया, लेकिन उन्होंने भी कमी नहीं रखी कोटा की जनता को प्यार देने के लिए। आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है? ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और इस अनएक्सपेक्टेड होने के कारण ही शायद इतनी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा पद मिला है, ना किसी ने सोचा था, और ये हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट बन गया है। कभी पार्टी में उनको कोई पद नहीं मिला, संगठन में नहीं मिला, मंत्री वो नहीं रहे, लेकिन एकाएक उनको लोकसभा स्पीकर, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेके चले, आपको लगता है कि वो जो जिम्मेदारी दी है उसको बिल्कुल बाखूबी निभाएंगे? जी, वो बिल्कुल निभाएंगे, क्योंकि वो जब विधानसभा में भी, पापा हमेशा स्टार ऑफ द विधानसभा रहे हैं, सितारे जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट में भी सितारों में रहे हैं, तो वो हमेशा बहुत अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस रोल के हिसाब से, और इस रोल में जो ऑलरेडी चाहिए कि इम्पार्शियलिटी न्यूट्रलिटी, वो तो उनमें है ही। ओम बिरला के नाम आते ही जश्न का दौर भी शुरू हो गया। ओम बिरला के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजियां। परिवार और कार्यकर्ताओं को तो बहुत प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता ही नहीं, इतनी प्रसन्नता है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए। उधर लोकसभा में कांग्रेस नेता को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह इस बार अधीर रंजन चौधरी लेंगे। अधीर रंजन चौधरी को इस बार कांग्रेस ने संसदीय दल का नेता बनाया है, और इसे लेकर सोनिया गांधी ने लोकसभा महासचिव को चिट्ठी लिखी है।